सीटों के लिहाज से यह आंकड़ा बता रहा है कि कांग्रेस सही मुकाबले में यहां पर नजर आ नहीं रही। बीजेपी को 55% वोट शेयर मिल सकता है, जो अभी तक का बीजेपी का सबसे बड़ा वोट शेयर होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 37% वोट शेयर ही 24 लोकसभा चुनाव में हासिल कर पाएगी, जो अभी अभी जो विधानसभा चुनाव खत्म हुए उसके मुकाबले भी और घटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को महज 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को आप देख रहे हैं 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। और हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सुजाता पॉल जी का रुख करेंगे। सुजाता जी, मतलब ये तो 2024 में भी 2019 रिपीट होने वाला है, कांग्रेस है ही नहीं कहीं लोकसभा की चुनाव की लड़ाई में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने। आपने जो आंकड़े दिखाए हैं वो सीधा सीधा ये दिखा रहे हैं कि जो अभी चुनाव हुए हैं उसके आसपास इस आंकड़े को आपने लिया है। लेकिन अगर वोट शेयर की बात आप करते हैं तो भी जो वोट शेयर हमारा अभी विधानसभा के चुनावों में हुआ था, अगर उसको ही देखें तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय में रुकना भी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स जब डिक्लेयर होंगे और उसके बाद जो हमारी रणनीति होगी उसके तहत जो लोगों का मत होगा उसमें बदलाव होने की निश्चित संभावना है, क्योंकि जब आप गलतियां करते हैं ना तो आप उन गलतियों को सुधारते हैं और वही हमें करने की अब जरूरत है। नहीं, लेकिन कैंडिडेट जब आप डिक्लेयर करेंगी तो भाई कैंडिडेट तो बीजेपी भी डिक्लेयर करेगी, और रणनीति अगर कांग्रेस बनाएगी तो रणनीति तो बीजेपी भी बनाएगी। और पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी और बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि 11 के 11 नए लोकसभा के लिए उम्मीदवार उतार दिए थे, और उस रणनीति ने इस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाया था कि बीजेपी 11 में से 9 सीटें जीत गई थी। ऐसे में इस बार जो कांग्रेस कह रही है के शर्मा जी कि चेहरों से उम्मीदवारों के और रणनीति से अपनी बीजेपी को मात दे देगी, तो सर मुमकिन तो है? पिछली बार बीजेपी ने यही किया था कांग्रेस के साथ, है मुमकिन? नहीं नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सुजाता जी ने अभी जो बात कही। पहले तो मैं आंकड़ों पे बता दूं, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कर दीजिए, करा दीजिएगा। देखिए पिछली बार हमें जो है लोकसभा में 2019 में लोकसभा में हमें 51.44% मिला था, आप उसमें 4% की और वृद्धि बता रही हैं, 51 से 55, और कांग्रेस को 41% वोट मिला था, उसको घटा के 4% तो कम जा रही है। मैं आपके आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूँ, तो मैं 2019 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 2000 लोकसभा। और यदि आज की डेट पे लोकसभा में देखें या जो विधानसभा का चुनाव हुआ है तो रोमाना जी 38 सीट हम बढ़े हैं और कांग्रेस 38 सीट घटी है, 38 सीटों का डिफरेंट है वो है। हम 15 में थे, 15 से बढ़ के हम 54 गए, तो वहाँ की जनता का क्या जो इस समय मनोभाव है इसको समझा जा सकता है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो है गलतियाँ हम सुधारेंगे, तो भूपेश बघेल को सीएम बनाना आपकी क्या गलती थी जो इस बार आपने उसको प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं बनाया, यही सुधार किया है ना आपने? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ये सिंहदेव चुनाव हार गए, ये आपकी गलती है। एक मिनट, और किसको बनाया आपने? हाँ। फिर से उसी चरणदास महंत जी को, जो कि पिछले 3 बार से इनके वहां के अध्यक्ष रह चुके और चुनाव हारे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए आप लॉजिक भी दीजिए तो थोड़ा ढंग का, और हमारी ओर से मैं केवल एक बात कह के समाप्त करता हूं कि जैसे ही रोमाना जी हमारी सरकार वहां पर बनी है, 18 लाख मकान जो बनने थे पक्के मकान, जिसको भूपेश बघेल जी ने रोक के रखा था, पहले कैबिनेट की मीटिंग में हमने निर्णय किया 18 लाख मकान बनाने का और उसका पैसा अलॉट कर दिया। दूसरा, 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपया का जो हमने रेट दिया उसका भी हमने अमाउंट की घोषणा कर दी और खरीदी को चालू कर दिया। 2 साल का जो बोनस था, बोनस के लिए 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन करके पहले कैबिनेट में क्लियर किया है। यही नहीं, 1200 करोड़ रुपया महतारी बंधन जो हमने 58 लाख फार्म भराए उसके लिए अनुपूरक बजट अभी पहले ही उसमें बैठक में तय हुआ है। इसी के साथ एक आंकड़ा और कहता हूँ, 2500 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता का, वो भी हमने अपने वहां पर दे दिया है, पहले उसका घोषणा कर दिया,
अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। ठीक है, जल्दी से सुजाता जी, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे रिएक्शन लेना है और मेहमानों से। ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, जब देश के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखें, और अभी अभी विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए, तो अगर दोनों चीजों को आप जोड़कर देखेंगे तो ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त लोगों का जो मूड है वो उसी मोमेंटम में है, लेकिन वो मोमेंटम अब टूटेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आई है, भूपेश बघेल जी के ऊपर तो ये बड़ा सारा सवाल उठा रहे हैं कि उनको ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति के तौर पर आपने भले ही लोगों को वहां खड़ा कर दिया, लेकिन वहां पर धान के बढ़े हुए जो खरीद के दाम इन्होंने कहे थे उस पर वो कितना खड़ा उतरेंगे, और अन्य जो समस्याएं हैं उस पर। कह दूं कि फिलहाल जिस मोमेंटम का आप जिक्र कर रही है, वो मोमेंटम ऐसा है कि कांग्रेस का ग्राफ और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है अभी जो विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज रहा है, और बीजेपी का ग्राफ जो है वो और ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभी जो विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज रहा है। ठीक है, ABP News, आपको रखे आगे।